नमस्कार, मैं हूं नीलू। कहते हैं जिंदगी में कोई भी काम मुश्किल नहीं या फिर कोई भी काम आसान नहीं है। आपने अगर ठान ली तो कोई भी काम आप कर सकते हैं। आज ऐसे ही एक शख्स के से आपकी मुलाकात हम करवाने वाले हैं। नाम है कुहू गर्ग। IAS का एग्जाम इन्होंने पास किया और बहुत लड़कियों के लिए ये प्रेरणा है। तो चलिए करते हैं इनसे खास मुलाकात, और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आज कुहू देंगे। कुहू, बहुत बहुत स्वागत है, और सबसे पहले बहुत ढेर सारी मुबारकबाद आपको इस सक्सेस के लिए। थैंक यू। कुहू, सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए, क्योंकि हम अगर बताएंगे, क्योंकि एक कुहू के बारे में ये बात है कि जो उत्तराखंड के एक्स DGP हैं, उनको उनकी सुपुत्री हैं कुहू, और अपने बारे में कुछ बताइए, अपनी फैमिली के बारे में, और फिर आपसे बात होगी किस तरह से आपने IAS की परीक्षा पास की, क्या क्या हुआ। मैं कुहू गर्ग हूँ। मेरी इस बार की UPSC 2023 के एग्ज़ाम में 178 रैंक आई है, और इससे पहले मैं इंडियन टीम के लिए बैडमिंटन खेलती थी। 2013 से 2020 तक मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा है, पहले जूनियर्स में, बाद में सीनियर्स में, और मेरी इस दौरान वर्ल्ड की हाईएस्ट रैंकिंग 34 रही थी मिक्स डबल्स में, और इंडिया नंबर 1 रही थी मिक्स डबल्स में। मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप, साउथ एशियन गेम्स जैसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करा है, एंड काफ़ी मेडल्स वगैरह जीते हैं। और ये 2022 में मैंने ये एक मुझे मेजर इंजरी हुई थी जिसके लिए सर्जरी की भी ज़रूरत थी, तो उस समय मेरा एक ऑलमोस्ट 1.5 साल का ब्रेक हो रहा था स्पोर्ट्स से। तो मैंने सोचा इस ब्रेक को अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं, और तब मैंने डिसाइड किया कि मैं ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहती हूँ, और तब ये 2022 में मैंने प्लंज लिया, और आज आई थिंक भगवान की बहुत सारे कृपा से आज आई थिंक इस बार लिस्ट में अच्छा रैंक आया है। आपने सुना कि एक इंटरनेशनल लेवल की खिलाड़ी हैं कुहू, और किस तरह से इन्होंने कुछ दिक्कतें शायद खेल के दौरान आई, कुछ इंजरी इनको हुई, जिसके बाद इन्हें सोचने का मौका मिला कि अब अगर आगे अपने करियर को आगे बढ़ाती हैं तो किस चीज़ में आगे बढ़ेंगे, और फिर देखिए कि उसका परिणाम क्या हुआ। कुहू IAS बन गई, आज हमारे साथ हैं, और हमारे लिए भी ये बहुत सौभाग्य की बात है। कुहू, कब से आपने बैडमिंटन खेलना शुरू किया, आपको लगा कि इसमें मेरा करियर है, फिर कैसे ये सारी चीज़ें स्विच होकर आई आपके IAS के प्रिपरेशन में, ज़रा उसके बारे में बताइए। मैंने अराउंड 9 ईयर्स ऑफ एज, 2006-7 के अराउंड शुरू किया था बैडमिंटन खेलना, एंड आई थिंक बचपन से घर में बहुत ज़्यादा लाइक पेरेंट्स ने स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन दोनों को ही साथ में लेके चले हैं। मैं अलग अलग स्पोर्ट्स खेलती थी, हॉर्स राइडिंग करती थी, टेनिस खेलती थी, स्विमिंग भी सिखाई, बट ऐसे ही इनके साथ साथ बैडमिंटन भी कभी शुरू किया, बट बैडमिंटन में मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आने लग गई थी डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे, तो इसके बाद फिर मैंने बैडमिंटन कंटिन्यू करा। तो आई थिंक एक तो ये था, उसके बाद सॉरी आपने नेक्स्ट क्या पूछा था, और उसके बाद फिर आपने IAS की प्रिपरेशन की। हाँ, तो आई थिंक मेरा 2013 के अराउंड फोकस काफ़ी ज़्यादा बैडमिंटन की तरफ शिफ्ट हो गया था, जहाँ पे प्रायोरिटी मेरी बैडमिंटन लग चुकी थी। उस वक्त मैं इंडियन जूनियर टीम में भी पहली बार मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो 2013 से 20 तक मैं हैदराबाद में ही थी, नेशनल कैंप में प्रैक्टिस कर रही थी। 2020 में जब लॉकडाउन हुआ, तब आई थिंक एक वापस घर आने की अपॉर्चुनिटी मिली थी, एंड वापस से जो बचपन से हम एक पापा को देखते आए थे, पापा के कोलीग्स को देखते आए थे कि ये सर्विसेज में कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी कंट्री को सर्व करने की, तो आई थिंक घर आके वापस से ये चीज़ और भी ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करी। पापा इस समय बहुत हाई पोस्ट पे थे, तो बहुत उस चीज़ का इम्पैक्ट भी पड़ा, एंड उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि सर्विसेज में आप कितना ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं सोसाइटी के लिए और देश के लिए, तो तब ये थोड़ी मोटिवेशन हुई। उसी समय मेरी एक मेरा फर्स्ट इवेंट आफ्टर लॉकडाउन जो था, उसमें मेरी नी ट्विस्ट हो गई थी, एंड उसमें निकला कि मेरा जो ACL लिगामेंट होता है उसमें टेयर था, जिसके लिए सर्जरी की ज़रूरत थी। तो सर्जरी प्लस जो रिहैब होता है वो पूरा मिनिमम 1.5 साल का एक प्रोसेस था, तो हमने सोचा इस टाइम को हम थोड़ा अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, और जो ये मेरा अभी इतना ज़्यादा मैं प्रेरित हो रही थी, मैंने काफ़ी सोचा, मुझे लगा कि मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पब्लिक सर्विस में है, तो उसके लिए मुझे लगा ये सिविल सर्विसेज मुझे बेस्ट प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। मैंने सोचा अभी प्लंज लेती हूँ और इसमें करती हूँ। वो जब इंजरी हुई और बैडमिंटन खेलने में दिक्कत आ रही थी, तो क्या उस समय आपने बिल्कुल तय कर लिया था कि आप बैडमिंटन छोड़ना है, और यहाँ से अगर कोई करियर को आगे परस्यू करना है या आगे लेकर जाना है, तो वो यही एक सर्विस थी आपने IAS IPS जो भी प्रिपरेशन करने की सोची, या फिर कुछ और सेकंड थॉट भी दिमाग में कुछ था?
आई थिंक बैडमिंटन मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट था. मैंने 10-12 साल इंटायरली इसको डेडिकेट करा है. तो ऐसा तो नहीं था कि अब बस बैडमिंटन छोड़ देना है. उस समय ऐसी सिचुएशन थी कि हाँ, एक ब्रेक तो ज़रूरी था ही. ब्रेक तो 1.5 साल का मेरा होना ही था. मैंने सोचा था उसके बाद डिसाइड करते हैं कि खेलना है या नहीं. अभी भी मुझे अगर मौका मिलेगा, समय मिलेगा, तो मैं इसको ज़रूर कंटिन्यू करना चाहूँगी, बिकॉज ये मेरा सबसे पहला पैशन है. हाँ, पहला प्यार कभी छूटता नहीं. हाँ, तो फिर इसके वो तो आई थिंक हमेशा रहेगा. उसके अलावा जितना ये सर्विसेज की भी मैं बात करूँ, अगर तो UPSC एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम है. आई थिंक बहुत डर लगता है जब आप इसमें घुसते हैं, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हर तरह के होते हैं. तो बहुत डर लगता है. तो कहीं ना कहीं और भी चीज़ें कंसिडर करी कि अच्छा, मैं और क्या कर सकती हूँ. मेरा जो भी बैकग्राउंड है, मैंने इकोनॉमिक्स में अपनी ग्रेजुएशन करी, जो मुझे वर्क एक्सपीरियंस मेरा लैक करता था क्योंकि मैं बैडमिंटन खेल रही थी. तो उसके साथ साथ हमने सोचा कि क्या 2-3 ऑप्शंस हैं. उनको एट द बैक ऑफ द माइंड रखा हुआ था कि अच्छा हाँ, अगर ये नहीं होता तो करेंगे, बट मन मेरा इसकी तरफ ही था. तो मैंने सोचा इसको एक फुल अपना 100% एफर्ट डाल के इसमें अटेम्प्ट करते हैं. बिल्कुल, आपने ये सही कहा कि बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं लेकिन सक्सेस उन्हें नहीं मिलती है, और इस बात का डर हमेशा रहता है जो IAS IPS का प्रिपरेशन करते हैं. कभी ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा या कुछ ऐसा? क्योंकि आपने कहा कि आपने 22 साल की उम्र से शुरू किया था और 25 में आपने अचीव कर लिया वो गोल. 2022 में शुरू किया और फिर 2024 में कर लिया. बहुत कम समय में ये जो टारगेट आपने रखा उसे अचीव कर लिया. कैसे कैसे तैयारी की, जरा बताइए हमारे दर्शकों को, उन लड़कियों को, और जो बहुत सालों साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी कई बार सक्सेस नहीं हो पाते हैं. तो जो सक्सेस मंत्रा है जरा वो बताइए. आई थिंक ऐसा कोई सक्सेस मंत्रा नहीं. आई थिंक हर किसी को देखना पड़ता है उनके लिए क्या वर्क करता है. बट एग्ज़ाम बहुत ही टफ एग्ज़ाम है. इसमें आपका बहुत वास्ट सिलेबस होता है और आपको डेप्थ ऑफ नॉलेज भी चाहिए होती है. एनालिटिकल स्किल्स भी इसमें चाहिए होते हैं, मतलब मल्टीपल स्किल्स चाहिए होते हैं. तो उनके लिए आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हार्डवर्क तो आई थिंक करना ही पड़ेगा. एग्ज़ाम में कोर्स इतना ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, साथ साथ स्मार्ट वर्क की बहुत ज़रूरत है. जहाँ से भी गाइडेंस मिल सके, आजकल आई थिंक ऑनलाइन इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो गाइडेंस के साथ आप सही पाथ पे चलेंगे, आपका टाइम सही डायरेक्शन में यूटिलाइज होगा, वो बहुत ज़रूरी है. और सेकेंडली, जो भी आप जितना भी टाइम, आप 1-1 मिनट भी अगर आप पढ़ाई पे स्पेंड करें, आपको वो एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है. नहीं तो माइट एज वेल टेक अ ब्रेक अगर अभी आपका मन नहीं लग रहा. बट जितना आप करें वो एफिशिएंटली करिए, तो आई थिंक आपकी उसमें प्रोडक्टिविटी. तो आपने कितने घंटे पढ़ाई की? क्योंकि लोग कहते हैं, कई बच्चों को मैंने देखा है जो IAS IPS का प्रिपरेशन करते हैं, वो कहते हैं हमने 10 घंटे, हमने 12 घंटे, कुछ कहते हैं नहीं भाई हमने 8 ही घंटे प्रिपेयर किया. तो वो क्या है, क्या घंटे के हिसाब से, यानी या फिर आप जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा पढ़े कि बिल्कुल वो आपके काम आए? आई थिंक मैं अपना पहले थोड़ा सा प्लान बनाती थी कि अच्छा, आज मुझे इतना पढ़ना है, इतने हफ्ते में इतना पढ़ना है, एंड उसके हिसाब से होता था. बट ऑन एन एवरेज आई थिंक थ्रू आउट द ईयर एटलीस्ट 8-10 घंटे की कोशिश मेरी, मतलब उतना लग जाता था दिन में. कुछ दिन होते थे जब बिल्कुल मन नहीं करता, ताकत नहीं होती, तो उन दिनों भी 6 घंटे तो कोशिश होती थी कि एटलीस्ट इतना तो मैं कर ही लूँ. उसके अलावा आई थिंक ऐसे पीरियड्स भी आते हैं, जैसे एग्जाम से जस्ट कुछ हफ्ते पहले, और प्रीलिम्स और मेंस का पीरियड, इनमें रिक्वायरमेंट और भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि लोड उस वक्त बहुत बढ़ जाता है. तो तब कहीं ना कहीं 14-16 घंटे तक भी पुश करा है कुछ समय के लिए, कुछ हफ्तों के लिए. तो आई थिंक ये सब इस एग्जाम के पूरे प्रोसेस का एक पार्ट होता है. अच्छा, जैसे माँ बाप हमेशा कहते हैं को कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब. आपने तो खेल कूद भी किया, उसमें भी एक मकाम हासिल किया. आपने जब पढ़ाई लिखाई करी तो आपने अपने गोल को अचीव किया. तो खेल और पढ़ाई, क्योंकि उसमें भी बहुत डेडिकेशन की ज़रूरत होती है और बहुत टफ है, एक खिलाड़ी की जो दिनचर्या होती है वो बहुत टफ होती है, तो उससे कितना आपको फ़ायदा आपकी पढ़ाई में मिला? आई थिंक एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, एज एन एथलीट, हम बहुत सारे स्किल्स हमारे डेवलप हो जाते हैं क्योंकि वो भी एक तपस्या है. तो 10 साल तक रोज़ सुबह आप जब 5 बजे उठ के 6 बजे खुद से उठ के आप ट्रेनिंग करने जाते हैं, आपकी डाइट, आपका रेस्ट, आपको हर चीज़ का ख्याल रखना होता है. आप कोर्ट पे जाते हैं और आपका एक एक स्ट्रोक आप बिल्कुल फोकस होकर करते हैं. तो आई थिंक ये सारी ऐसी स्किल्स हैं जो कि आपको इस जर्नी में, मुझे बहुत ज़्यादा इन्होंने हेल्प करा है. मेरी पूरी प्लानिंग, अपने आप का सेल्फ एनालिसिस, ये सब चीज़ें मैंने बैडमिंटन से सीखी थी और वो मुझे इस जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है. एंड आई थिंक किसी भी व्यक्ति के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए
स्पोर्ट्स और एजुकेशन साथ में होना चाहिए, वो दोनों अपोजिंग नहीं है बट दोनों साथ में मिलके आई थिंक बहुत अच्छा काम कर सकते। पेरेंट्स सुन रहे होंगे इस बात को और वो कभी खेलने से रोकेंगे नहीं, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपको ऑलराउंडर बनना है तो आपको पढ़ाई लिखाई से लेकर खेलकूद सब में आपको अच्छा परफॉर्म कर, परफॉर्म ना भी कहें तो कहे कि सब में टाइम जरूर देना है आपको। वो एक सवाल और है, चूंकि फादर आपके डीजीपी रह चुके हैं और परिवार में ही इस तरह का माहौल था, बहुत हद तक वहाँ से भी आपको इंस्पिरेशन मिली होगी, फादर से भी बहुत सारी चीज़ें जानने को सीखने को। एक कहते हैं ना कि आप जब कुछ अपने परिवार में देखते हैं तो बड़े पैशनेट हो जाते हैं कि मुझे ऐसा करना है। आपने हालांकि चूज़ किया पहले एक खिलाड़ी के तौर पर, लेकिन सेकंड ऑप्शन जब आपके पास आया तो आपने उस उस अपने परिवार की जो एक लेगेसी थी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी है, तो उन सब चीज़ों से कितनी इंस्पायर हुई आप? आई थिंक फादर्स आई थिंक हर किसी के लिए सबसे पहले और सबसे बड़े इंस्पिरेशन होता है, और बेटियों के लिए तो खास तौर हाँ, उसका तो कोई डाउट ही नहीं है। बचपन से पापा को देखते आए हैं और उनका इतना अच्छा करियर रहा है जहाँ उन्होंने इतना अच्छा काम करा है, इतने लोगों को हेल्प करा है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। नॉट जस्ट पापा, उनके साथ के बहुत सारे जो उनके कोलीग्स और सबको देखा है, तो आई थिंक मुझे ये सबसे बहुत इंस्पिरेशन मिली एंड दिस इज़ अ मेजर रीज़न कि मुझे इस तरफ आने के लिए मैंने कोशिश करी। अच्छा देखिए, फादर तो चली ठीक है, फादर ने आपको इंस्पायर किया, लेकिन कहते हैं कि जो एंकर होती है ना वो घर की माँ होती है और वो सबको बांध के रखती हैं, तो मम्मी ने किस तरह से सपोर्ट किया? क्योंकि बिना माँ के सपोर्ट के कहते हैं कि चाहे कोई भी हो आगे नहीं बढ़ सकता है, तो माँ का किस तरह का, क्योंकि उनको भुलाया नहीं जा सकता है। नहीं, मेरी मम्मी का तो बहुत ही मेजर रोल है मेरी लाइफ में। वो खुद भी डीन है एक बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी की, पन्नागर यूनिवर्सिटी की, तो उन्होंने जिस तरह से आई थिंक अपने यूनिवर्सिटी का काम और घर को शफल करके सब कुछ मैनेज किया, वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग होता था। मुझे पता था ऑल्दो वो कहीं पे भी हों, कितनी भी बिजी हों, जब भी मैं उन्हें कॉल करूं, जब भी ज़रूरत होगी वो मेरे साथ खड़ी हैं। तो इमोशनल एंड मॉरल सपोर्ट सबसे ज़्यादा आई थिंक मम्मी का साथ में था, एंड आई थिंक ऐसी जर्नी थी, बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, तो इसमें उनके बिना तो पॉसिबल ही नहीं होता है इसको सर्वाइव करना। अभी आपकी मम्मी से मेरी भी बातचीत हो रही थी और उन्होंने भी कहा कि देखिए मुझे तीन तीन ड्यूटी निभानी करती पड़ती थी, अपनी पति की, अपनी खुद की, बेटी की, सबकी, लेकिन खैर ये माँ है जो हर काम बड़े अच्छे तरीके से कर लेती हैं। अब ज़रा पिहू अपने एजुकेशन के बारे में, पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, आपका जन्म कहाँ पर हुआ, क्योंकि फादर की तो यूपी कैडर में हुआ करते थे, बाद में उत्तराखंड कैडर में गए, तो ज़रा अपने बारे में कुछ बताएं। तो मेरा जन्म हरिद्वार में हुआ था, इनिशियल स्कूलिंग भी मेरी क्लास 2 तक हरिद्वार में हुई है DPS में, वहाँ से क्लास 3 और 4 मैंने रिवरडेल जूनियर देहरादून से किया, तब पापा देहरादून आ गए थे। एक साल मैं वेलम गर्ल्स में थी, उसके बाद ब्राइटलैंड्स में भी एक साल थी, फिर उसके बाद पापा नैनीताल शिफ्ट हुए थे तो वहाँ पे ऑल सेंट्स में गई, एंड उसके बाद पापा फिर दिल्ली आ गए थे ऑन डेप्यूटेशन, तो 8 to 12 फिर मेरा दिल्ली संस्कृति से हुआ, एंड उसके आगे मैंने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन करी। अच्छा, तो आपका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स ही रहा आपका। अच्छा एक बात और बताइए, चूँकि आप उत्तराखंड में आपका जन्म हुआ, फादर आपके हरियाणा से हैं, मदर आपकी उत्तर प्रदेश से हैं, तो हर एक जगह के कल्चर को आप समेटे हुए, जब पढ़ाई लिखाई और सारी चीज़ों अपब्रिंगिंग में इन सब का कितना ज़्यादा आपको लगता है कि हर जगह से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है? आई थिंक मैं तो बिल्कुल सोचती हूँ कि स्टेट सब अलग है, मैं तो एक इंडियन हूँ एंड मेरी सिर्फ मुझे इंडिया से प्यार है, इंडिया में मैं कहीं भी जाऊँ मुझे उससे मतलब उतना ही प्यार है, तो सिर्फ मेरा रहने का नहीं, मैं जैसे बता रही थी मैं बहुत अर्ली एज पे बैडमिंटन शुरू किया था, 12 साल की एज से मैंने इंडिया की 28 अलग अलग स्टेट्स और यूटीज़ घूमी हैं मेरे टूर्नामेंट्स के लिए, मैं हैदराबाद में भी काफ़ी टाइम रही, गुवाहाटी भी रही, तो आई थिंक ये जो मल्टी कल्चरल एक पूरा एक्सपीरियंस हो जाता है वो बहुत आपको हेल्प करता है, आपकी कॉन्स्टेंट मूविंग अराउंड आपको एक आप अलग अलग जगह एडजस्ट कर पाते हो, आप अलग अलग कल्चर्स को अप्रिशिएट कर पाते हो, एंड उसमें हम इवेंचुअली तो सब इंडियन कल्चर ही है, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, सटल डिफरेंसेस होते हैं, बट मिलजुल के तो हम सब फाइनली सेम जगह ही आते हैं, तो आई थिंक बहुत एक अप्रिसिएशन इसके लिए बढ़ती है। और ये सबसे अच्छी बात है, आप चूँकि खिलाड़ी रह चुकी हैं और आप तो जगह जगह खेलने जाती है, वहाँ पर हर कल्चर को हर जगह चीज़ों को आपने अडॉप्ट भी किया है। एक सवाल यहाँ पर और है कुहू की, कई बार ऐसा जैसे आपने जब कहा कि मेरी इंजरी हो गई और मैं बैडमिंटन नहीं खेल पाई, उस समय मन में थोड़ा सा मलाल हुआ था कि इतने अच्छे करियर में, इतने पीक पर जाकर और थोड़ा सा इस वक्त यहाँ पर इस तरह की चीज़ें,
हाँ आई थिंक जब ये मुझे इंजरी भी हुई थी वो बिल्कुल ऐसा समय था कि अगले कुछ सालों में ही मतलब 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स, फिर एशियन गेम्स, 2024 के ओलंपिक गेम्स, ये सब बिल्कुल साइट में थे. तो पूरी प्लानिंग और पूरी टारगेट इनके हिसाब से चल रहा था. एक बार को जब ये पूरा हुआ कि हाँ ब्रेक लेना है, आई थिंक वो एक काफ़ी हार्ड ब्रेकिंग एक्सपीरियंस तो था ही, बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड भी था, बट हमने उसी को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा एंड हमने उसमें जो हम बेस्ट कर सकते थे उस समय हम उसकी तरफ गए. एंड आई थिंक फाइनली आई थिंक एक भगवान का कुछ प्लान होता है. मुझे लगता है भाई एक दरवाज़ा बंद हुआ तो एक दूसरा दरवाज़ा खुल गया और वो मुझे एक और बहुत अच्छी सुंदर जर्नी पे लेके आया है. तो उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ. एंड उस समय लगता था कि हाँ बहुत डिफिकल्ट है, बट अब लगता है कि ये भी शायद अच्छे के लिए ही हुआ है. तो बिल्कुल जो होता है अच्छे के लिए होता है. और कहते हैं आपकी डेस्टिनी में जो है वो उसको कोई नकार नहीं सकता है. वो आपने हमेशा से बहुत डेडिकेशन के साथ चाहे वो खेल खेला हो या पढ़ाई की हो, अपने लिए वक्त मिल जाता है इन सब चीज़ों में? मतलब ये बहुत मुश्किल था दोनों चीज़ों को बैलेंस करना. बहुत सारे लोग इसलिए ये नहीं करते हैं क्योंकि मम्मी बता रही थी पढ़ाई में भी हम हमेशा से अच्छी रहे हैं. हाँ, तो घर पे भी ये था कि पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो सकती है, जितना खेलना है खेलो बट पढ़ाई साथ में अच्छी बनी रहनी चाहिए. तो बहुत मुश्किल था कि मैं बाकी सारी चीज़ों पर मैंने काफ़ी सैक्रिफाइस करा है. जो एक नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट या कॉलेज स्टूडेंट की लाइफ होती है वो मैं नहीं जी पाई, बट आई थिंक उसका मतलब इतनी सारी जो मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स एंड मेहनत करी है मुझे उसका बहुत फ़ायदा, उसके बहुत फल मिले हैं. मैंने एथलीट की एक लाइफ एट द हाईएस्ट लेवल उसको लिव करा है और अब मैं एक और अलग जर्नी पे आ पाई हूँ क्योंकि मैंने अपनी एजुकेशन को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा. ये भी बहुत आई थिंक एथलीट्स होके जो इस तरफ आए ऐसे बहुत कम लोग कर सकते हैं. तो आई थिंक मुझे उसका जितना मैंने सैक्रिफाइस किया, जितना मैंने एफर्ट किया, मुझे उसका बहुत पूरा फल मिल रहा है. एंड भगवान के लिए मैं आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि वो मुझे इस पर दे रहे हैं. वो की हॉबी क्या है? हॉबी मेरे पास वैसे ज़्यादा टाइम होता नहीं था. मैं इसलिए हाँ, बट आई थिंक थोड़ी सी टीवी सीरीज़ देखना, कुछ पेंटिंग करना और थोड़ा जैसे मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है तो मुझे बैडमिंटन के थ्रू ही लकीली बहुत मौका मिला कि मैंने इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली बहुत ट्रैवल करा. तो वहाँ जाके जो मैचेस के बाद जितना समय मिले एक्सप्लोर करना, आई थिंक ये सारी चीज़ें मुझे को ये बात बताइए कि जैसे आपने स्पोर्ट्स से स्विच किया और आज IAS आप बन गई हैं, तो जो आपकी स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी है उसमें किस तरह की प्रतिक्रिया इससे लेकर है? क्योंकि कई बार हमने देखा है खिलाड़ी अपनी इंजरी की वजह से या किसी वजह से खेल नहीं आगे को नहीं खेल पाते हैं तो उनको लगता है कि कुछ और चीज़ में जाए. तो इसको लेकर उनके बीच में क्या बातें हो रही हैं? आई थिंक मुझे बहुत सारे लोगों की विशेज आई एंड सबका बहुत ही सब बहुत प्राउड फील कर रहे थे. आई थिंक बहुत सारे एथलीट्स स्पेशली सिविल सर्विसेज को एक ऑप्शन की तरह नहीं कभी कंसिडर करते हैं क्योंकि ये बहुत दूर है जो एक एथलीट की लाइफ है उससे बिल्कुल अपोज करता है. तो सबसे यही आए कि मतलब दिस इज़ समथिंग जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे. एंड सबसे बहुत विशेज आई, सारे सीनियर्स से भी आई जैसे और बहुत सारे जूनियर्स की भी आई. जो वो जूनियर्स मुझे जब बता रहे थे कि उन्हें कितना मोटिवेटेड और इंस्पायरिंग लग रहा है ये देख के कैसे पहले बैडमिंटन में मैंने अच्छा करा और अब मैं इधर भी करा है, तो वो सुन के आई थिंक बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मैं इतने सारे लोगों को इंस्पायर कर पा रही हूँ. वो एक आई थिंक बहुत स्पेशल फीलिंग थी. उसके अलावा मेरे सारे आई थिंक कोचेस का आया, सारे कोलीग्स का आया, तो वो भी बहुत अच्छा फील था. अच्छा कुहू, बस अब आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है आपने जिस तरह से बताया. कई बार IPS बनने के बाद लोग IAS की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपने इस बारे में सोचा है अभी? अभी तो आई थिंक रिजल्ट जस्ट आया है तो हम इसको अभी सिंक इन करने के लिए टाइम दे रहे हैं, इसको इंजॉय कर रहे हैं. ये डिसीजन अब लेंगे आगे, अभी देखते हैं. बट आई थिंक सारी ही सर्विस बहुत प्रेस्टिजियस हैं. हर सर्विस में आपको कंट्री को अलग अलग तरह से कंट्री को सर्व करने का मौका मिलता है. एंड आई थिंक जो भी सर्विस मुझे फाइनली मैं जिसमें भी घुसती हूँ मैं उसमें बहुत ग्रेटफुल रहूँगी कि मैं उसमें अपनी कंट्री को बेस्ट तरीके से सर्व कर सकूँ. और को उन लड़कियों के लिए कुछ कहना चाहेंगी, मैसेज देना चाहेंगी जो आपको सुन रही हैं, देख रही हैं, आपसे इंस्पायर हो रही हैं कि आपने जो भी किया बहुत लगन से, मेहनत से और उसमें सक्सेस भी आपने अचीव किया है, तो कुछ कहना चाहेंगी? आई थिंक मैं यही कहूँगी कि लड़कियाँ आजकल कुछ भी कर सकती हैं. तो अपने आप के अंदर झांकी और ये सोचिए कि आप करना क्या चाहते हो और फिर उसके लिए आप पूरी मेहनत करिए, 100% एक एक पल अपना स्पेंड करिए एंड आई एम श्योर यू विल मेक इट. तो आपने सुना कुहू को. कुहू ने बताया कि किस तरह से उन्होंने कभी भी किसी भी चीज़ को पीछे मुड़कर नहीं देखा, हमेशा जो भी किया बहुत अच्छे से किया और उसमें सक्सेस उन्होंने पाया.
और बाकियों से भी वो यही कह रही हैं कि आपने जो मन में ठाना है अगर आप उसे पूरी लगन के साथ करेंगी तो आपको भी सक्सेस ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया को हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इतना वक्त निकालने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।